सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के अंदर APA MLA शिकागो स्टाइल के बारे में। इनमें से दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेफरेंस होता क्या है, इसके बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जब भी हम PhD वगैरह लिखते हैं तो उसके अंदर हमें ये देना होता है कि हमने जो वर्क किया है वो कहाँ कहाँ से लिया है, जो रेफरेंस जो लिया है वो कहाँ से लिया है। जैसे कि हम कोई अपनी बात सिद्ध करना चाहते हैं और उसी बात से रिलेटेड पहले किसी ने बात कह रखी है तो वो अपनी रिसर्च में हम इंक्लूड करते हैं, तो उसके बारे में जो ब्यौरा देते हैं उसे हम रेफरेंस कहते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे काफ़ी तरह की बातें होती है। एक तो ये होता है कि जो हम रेफरेंस देते हैं उससे हमारी जो रिसर्च है वो रिलायबल हो जाती है, वो ऑथेंटिक हो जाती है। और दूसरा क्या है कि जो आगे आने वाले रिसर्चर है वो रिसर्च करेंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड और किसने रिसर्च कर रखी है। तो इस तरीके के रेफरेंस आपने कई बुक वगैरह में देखे होंगे, तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे APA स्टाइल, MLA स्टाइल, शिकागो स्टाइल, तो अलग अलग तरह के होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, रिसर्च के अंदर पेपर फर्स्ट में मुख्य रूप से APA MLA और शिकागो स्टाइल के बारे में पूछा जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले APA स्टाइल के बारे में, क्या होता है। APA स्टाइल सबसे पहले 1929 के अंदर यूज़ किया गया था और ये मुख्य रूप से बिजनेस, क्रिमिनल और इकोनॉमिक्स, लॉ जैसे सब्जेक्ट हैं उनमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अभी जो पेपर हुआ था जून 2019 का, उसके अंदर ये पूछा गया था कि APA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इन्होंने ये इन्वेंट किया था, इन्होंने ये बनाया था, तो ये हमें पता होना चाहिए इनकी फुल फॉर्म भी। और अब देखते हैं कि इसमें पहले कैसे क्वेश्चन आया और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि APA स्टाइल आखिर होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे हिंदी में दे रखा है और यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, आप जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं, आपको PDF भी दे दी जाएंगी जो हमारे पेड मेंबर हैं। अब इसे समझने के लिए हम इंग्लिश का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए, इन्होंने ये पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा APA स्टाइल है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये जो चारों ऑप्शन हैं ये लगभग आपको देखने में सेम लगेंगे और हमें ये देखना है कि APA स्टाइल इनमें कौन सा है, तो इनमें आपको बहुत माइनर फर्क देखने को मिलेगा। अब देखिए, सभी के अंदर शर्मा वी 2010 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस न्यू दिल्ली टाटा मैक्रो हिल ये दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर देखिए इसके अंदर ब्रैकेट नहीं है, इसके अंदर ब्रैकेट दिया हुआ है, इसके अंदर ब्रैकेट है, इसके अंदर ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत छोटी चीज़ है जो आपको देखने की ज़रूरत है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, रुकिए। अब देखिए, ऑप्शन नंबर जो डी है, डी हमारा ऑप्शन नंबर है, इसके अंदर क्या है, 2010 के बाद देखिए आप इस तरीके का ये डैश लगा हुआ है, ठीक है, और लेकिन इसमें देखिए इसके अंदर ये डॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये एक माइनर बहुत छोटा सा फर्क इसमें देखने को हमें मिल रहा है और यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, एक और चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी और सी के अंदर देखिए आप, ये भी आपको बिल्कुल सेम दिखने को मिलेंगे, लेकिन अब देखिए कंप्यूटर साइंस के बाद इन्होंने यहाँ पर डॉट लगाया और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के बाद में इस तरीके से इन्होंने डैश लगाया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम कि जो हमारा APA स्टाइल होता है उसका फॉर्मेट है वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, इसे किस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए, APA स्टाइल का हमने फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो भी लेखक का नाम होता है उसमें सबसे पहले लास्ट नेम आता है और फिर फर्स्ट नेम आता है। अब जैसे हम मान के चलते हैं कि विक्रम शर्मा है किसी का नाम, विक्रम शर्मा नाम है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, विक्रम शर्मा में जो शर्मा नाम है वो सबसे पहले आएगा और उसके बाद में उसका फर्स्ट नेम आएगा, यानी कि विक्रम। अब देखिए, विक्रम के अंदर भी जो पहला अक्षर है वी, वो ही हम लिखेंगे, पूरा विक्रम नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद हम डॉट लगाएंगे इस तरीके से, ये चीज़ आप देख लो दोस्तों, डॉट लगाएंगे, ना कि इस तरीके से डैश नहीं लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद दोस्तों हम ईयर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम ईयर लिखेंगे, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर हम ईयर लिखेंगे, फिर दोबारा डॉट लगाएंगे, फिर बुक का टाइटल लिखेंगे, जो भी पब्लिकेशन हमारा है वो लिखेंगे, और फिर उसके बाद में पैलेस लिखेंगे कि कहाँ से ये छपा है, कहाँ से हुआ है, और फिर पब्लिकेशन का मतलब है कि किसने ये प्रकाशित किया है, किसने ये प्रिंट आउट किया है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, जैसे यहीं पर एक नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुमार आर, जैसे राजेश कुमार हो गया, तो राजेश कुमार में कुमार सबसे पहले आ गया, इसका लास्ट नेम पहले आ गया और राजेश का आर आ गया, फिर हमने ईयर लिख दी 2015 और डॉट लगा दिया, और फिर इफेक्ट ऑफ TV फिर डॉट लगा दिया, फिर कहाँ से पब्लिश हुआ ये, रोहतक से पब्लिश हुआ है,
और किसने पब्लिश किया ये, अजंता पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। अब देखिए यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, और एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ इसके अंदर जो ये देखिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सभी में डॉट नज़र आएंगे, और लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये डबल डॉट इस तरीके से होगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये डैश होगा इस तरीके का। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे आप इनमें भी देख सकते हैं कि इसका यही ऑप्शन क्यों आया है, यही आंसर क्यों आया है, ये आप अच्छे से देखना। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, और यहाँ पे मैंने हिंदी में भी दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन आया था दिसंबर 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर एक छोटा सा कन्फ्यूज़न दिया हुआ है, ये यूजीसी नेट ने खुद कन्फ्यूज़न दिया हुआ है जो थोड़ा सही नहीं है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एपीए स्टाइल के बारे में पूछा हुआ है, ये देखिए इंग्लिश के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल ऑफ एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट। इन्होंने कहा है कि एपीए स्टाइल लिखने का स्टाइल क्या है बेसिक, वो हमें बताना है। अब देखिए इन्होंने ये इसका आंसर ये है बी सी डी, पहले ही मैं बता देता हूँ इसका आंसर। बी में क्या है, इन्वेंटर ऑथर्स नेम लास्ट नेम फर्स्ट, चलो ये अच्छी बात, अभी लास्ट नेम पहले आना चाहिए, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है। अब देखिए दोस्तों अगला देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी, इटैलिसाइज टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्क सच एज बुक एंड जर्नल। इन्होंने कहा है कि बुक और जर्नल का जो नाम है वो हमें इटैलिक करके लिखना है, इटैलिक का मतलब समझते हो ना दोस्तों, इस तरीके से टेढ़ा करके लिखना है। अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है दोस्तों, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने सभी के अंदर बी ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आंसर भी यही दिया हुआ है यूजीसी नेट ने। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो बुक का नेम है वो हमें इटैलिक करके लिखना होगा, चलो हम मान लेते हैं भाई इटैलिक करके लिखना है आपकी बात, ठीक है। लेकिन अब जो हमने क्वेश्चन ऊपर ये पढ़ा इसमें आप ये बता दीजिए कहीं भी इटैलिक है, कहीं भी नाम इटैलिक नहीं दिया हुआ, और आप चाहे रियल जो पेपर है वो देख लेना, अगर मैं यहाँ पे रियल पेपर दिखाता तो वो काफ़ी धुंधला होता, आपको अच्छे से ये समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने टाइप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहीं भी इटैलिक नहीं दिया, लेकिन अगले ही क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो बुक का नेम होगा वो इटैलिक होगा। तो देखिए यूजीसी नेट है वो खुद गलती कर रहा है, एक के अंदर इटैलिक करके दे रहा और दूसरे के अंदर इटैलिक करके नहीं दे रहा, तो ये छोटी सी एक गलती है यूजीसी नेट की जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करता हुआ आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अब हमारी बात आती है दोस्तों, हमारी यही बात आती है दोस्तों, अगर किसी ऑप्शन में इटैलिक दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें वही ऑप्शन राइट करना है। अब जैसे मान के चलते हैं, यही क्वेश्चन लेके चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए ऐसे सिंपल दिया है और बी के अंदर ये जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस इटैलिक करके दिया हुआ है, तो हमें उसी पे टिक करना है, ठीक है, और सारी चीज़ें वही रहेगी जो ये रहती है। अब देखिए तो दोस्तों छोटी सी ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि यूजीसी ने खुद हमें कंफ्यूज़ किया है, अगर वो इटैलिक दे तो इटैलिक वाले पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। और जो फॉर्मेट है वो हमारा बिल्कुल सेम रहेगा कि लास्ट नेम पहले आएगा, फर्स्ट नेम बाद में आएगा, ईयर बुक वगैरह वो सारी चीज़ बिल्कुल सही आएगी एपीए स्टाइल के अंदर। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दे रखा है, ये पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए, हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो जाए आपके दिमाग में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, या फिर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उससे भी आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आता है हमारा MLA स्टाइल आता है। अब देखिए MLA स्टाइल के अंदर क्या आता है, इसे सबसे पहले कहते क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये आप याद रख लेना। इसको सबसे पहले अमेरिका में 1985 के अंदर यूज़ किया गया था, और इसको ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ एंड लिटरेचर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आए हैं, इनमें जून 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था,
अब यहाँ पे हमने हिंदी में दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अब इसे हम समझने के लिए इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी वही बात आ रही है कि ये चारों के चारों ऑप्शन आपको लगभग सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन माइनर छोटा 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 इनके अंदर डिफरेंस है। अब देखिए यही आ गया, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इस तरीके से डैश लगा दिया, और इसके अंदर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा डैश नहीं है, डी वाले में नहीं है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है। अब ऑप्शन नंबर बी की हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरीके से ये डैश लगा दिए, तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है। तो इन्हीं से हमें सीखना है कि एमएलए स्टाइल के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है। अब देखिए एमएलए स्टाइल के अंदर क्या होता है, एमएलए स्टाइल के अंदर सबसे पहले लास्ट नेम आता है। इसके अंदर भी एपी स्टाइल की तरह लास्ट नेम पहले आएगा, फिर आएगा फर्स्ट नेम आएगा, फिर बुक नेम आएगा, फिर पैलेस आएगा, पब्लिकेशन आएगा और फिर ईयर आएगा। अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली है कि जो ईयर है वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, सबसे लास्ट में आएगा ईयर, ठीक है। और एपी स्टाइल के अंदर क्या था दोस्तों, एपी स्टाइल के अंदर हमारा जो ईयर है वो फर्स्ट नेम के बाद आ रहा था और ब्रैकेट के अंदर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ईयर वो लास्ट में आएगा और ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये मेन मेजर डिफरेंस है एपी और एमएलए स्टाइल के अंदर। और एक चीज़ और इसमें आप देख लीजिए कि जो इस तरीके से जो डैश है वो कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा, वो हमें देखना है। अब देखिए इसके अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इन्होंने सही दिया है। तो इसके अनुसार क्या है कि सबसे पहले लास्ट नेम आएगा और फिर इस तरीके से डैश आएगा, कॉमा आएगा, या इसे जो भी कह ले, मुझे एक्चुअल पता नहीं है दोस्तों, और फिर आएगा फर्स्ट नेम आएगा, फिर डॉट आएगा, फर्स्ट नेम के बाद डॉट आएगा। ये देखिए ग्रीन मैंने दिया हुआ है, यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर बुक नेम आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर पैलेस आएगा और फिर ये डबल डॉट इस तरीके से आएगा, फिर पब्लिकेशन आएगा और फिर ईयर आएगा। और अब ये देखिए ईयर, ईयर के अंदर इस तरीके का ये डैश है और फर्स्ट नेम के बाद हमारा इस तरीके का डैश है, यानी कि दो बार ये हमें यूज़ करना पड़ रहा है। अब इसका हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। अब देखिए जैसे राजेश कुमार, अब देखिए राजेश कुमार के अंदर हमारा कुमार पहले आ गया यानी कि लास्ट नेम, फिर आ गया राजेश। अब इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट नेम है वो पूरा लिखना है, एपीए स्टाइल की तरह ये नहीं है कि उसका फर्स्ट नेम का पहला अक्षर लिखना है, वो नहीं है। और आगे क्या है, आगे जैसे डॉट आ गया, डॉट के बाद में इफेक्ट ऑफ टीवी यानी कि बुक का नेम आ गया, फिर रोहतक आ गया यानी कि जहाँ से वो पब्लिश हुआ है, और फिर अजंता पब्लिकेशन जिसने उसे पब्लिश किया है वो आ गया, और फिर ये दोबारा इस तरीके से डॉट आ गया, डैश आ गया, और फिर ये आ गया हमारा ईयर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एमएलए स्टाइल होता है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से इसे समझ सकते हैं। बस आपको ये छोटी छोटी चीज़ रखने ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डॉट कहाँ पे लगेगा, इस तरीके से जो डैश है वो कहाँ पे लगेगा, तो ये हमें देखने की ज़रूरत है। और आगे दोस्तों ये हमने दोबारा फिर ये इनका कंपेरिजन करके दिखा रखा है, ये एपी, ये हमारा एपी स्टाइल है, ये एमएलए स्टाइल है। और जो एक और स्टाइल जो आता है वो और मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको, वो है हमारा शिकागो स्टाइल या ट्रेवियन स्टाइल। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी लास्ट नेम पहले आएगा, फर्स्ट नेम बाद में आएगा, फिर जो बुक का नेम है वो इटैलिक आएगा, पैलेस आएगा, पब्लिकेशन आएगा, ईयर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है, और इसमें अभी तक वैसे तो क्वेश्चन नहीं आया शिकागो स्टाइल में से, तो फिर भी आप करके देख लेना इनको, ये ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट भी नहीं है। और इसके अलावा और भी हमारे स्टाइल है पब्लिकेशन के, काफ़ी तरह के स्टाइल है, अनगिनत स्टाइल है, और अगर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हैं दोस्तों। इनमें से जो आप मेनली क्या है कि आप एक बार इनको पढ़ ज़रूर लेना, इनके जो फुल फॉर्म है वो पढ़ लेना, हो सके क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले। आपको पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेनली इनकी फुल फॉर्म है वो पढ़ लेना, और डिटेल में आपको ये जो दो स्टाइल है हमारे, ये डिटेल में पढ़ने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से करीब 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारा एम है कि कम से कम 50 लाइक ज़रूर मिले, क्योंकि हमने दोस्तों काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है।
तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों आज हम रिसर्च के अंदर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों ये नया टॉपिक है और ये हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें से अभी तक काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि आईसीटी यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का रिसर्च के अंदर कहाँ कहाँ पर और किस तरह से यूज होता है। अब देखिए मुख्य रूप से जो रिसर्च है उसका तीन जगह पे यूज होता है आईसीटी का। जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो जब हम रिसर्च की शुरुआत करते हैं तो प्री डेटा एनालिसिस यानी कि जब हम डेटा इकट्ठा करने की शुरुआत करते हैं तब इसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद में डेटा एनालिसिस जो डेटा हमने इकट्ठा कर लिया और उसका एनालिसिस करते हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। और तीसरा पोस्ट डेटा एनालिसिस यानी कि डेटा इकट्ठा कर लिया एनालिसिस कर लिया उसके बाद में किस तरीके से आईसीटी का यूज़ किया जाता है रिसर्च के अंदर, इन तीनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डेटा एनालिसिस। अब देखिए जब हम डेटा एनालिसिस करने से पहले किस तरीके से यूज करते हैं, देखिए हमें डेटा लेने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। जैसे कि हमें लिटरेचर रिव्यू करना होगा। लिटरेचर रिव्यू हम तभी करेंगे जब हमारे पास लिटरेचर होगा यानी कि जो प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट की है उस पर किन किन लोगों ने काम कर किया है आज तक, क्या क्या वर्क हुआ है, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, लिटरेचर सर्च करेंगे। आर्टिकल अवेलेबिलिटी देखेंगे कि हमारे वर्क के ऊपर आज तक क्या क्या आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं और किन किन लोगों ने थीसिस आज तक लिखी है, वो सारी की सारी चीज़ें हम खोजेंगे सर्च करेंगे। तो इसके लिए हम आईसीटी का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद में जैसे कंटेंट सर्च करते हैं, लिटरेचर ट्रैकिंग करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लिटरेचर सर्च हम कैसे करते हैं। अब सबसे पहली जो चीज़ आती है दोस्तों शोध गंगा आती है। जो नए स्टूडेंट है शायद उनको ना पता हो लेकिन जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि शोध गंगा क्या है। शोध गंगा एक इंडिया की ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जहां पे आपको लगभग सभी जो पीएचडी वर्क है वो आपको मिल जाएगा कि किन किन लोगों ने क्या क्या काम कर रखा है, क्या आर्टिकल प्रकाशित वहाँ पर कर रखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर आता है दोस्तों गूगल स्कॉलर आता है। गूगल स्कॉलर के अंदर आपको पूरे दुनिया के जो शोध वर्क किए गए हैं, रिसर्च वर्क किए गए हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है, यहाँ पे भी आपको जो ऑथर वगैरह है वो मिल जाएंगे, एकेडमिक पेपर है वो मिल जाएंगे, जर्नल है वो मिल जाएंगे, कॉन्फ्रेंस वगैरह मिल जाएंगी। यानी कि यहाँ से आपको अपनी रिसर्च के लिए बहुत सा डेटा मिल जाएगा और इनमें से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वो ऐसे दे देंगे कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा लिटरेचर सर्च के लिए यूज नहीं होता या यूज होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद में जैसे एक और है मेंडेली और उसके बाद में SSRN, तो ये भी हमारे वो कह सकते हैं कि टूल है, ऑनलाइन टूल है जिनसे हम अपने लिटरेचर सर्च करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास डेटा कलेक्शन। अब बात आती है डेटा कलेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। ऑनलाइन हम जैसे सर्वे करते हैं, एक फॉर्म होता है फॉर्म भरते हैं, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि गूगल की तरफ से फॉर्म आता है तो उसमें हम भरते हैं, तो वो गूगल फॉर्म होता है। और गूगल के अलावा भी और भी काफ़ी तरह के फॉर्म होते हैं जैसे सर्वे मंकी होते हैं और इसके अलावा भी कई कंपनियाँ होती हैं जो सर्वे के लिए फॉर्म बनाती है। तो जो डेटा कलेक्शन किया जाता है वो मुख्य रूप से यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं ये चीज़ें। और एक चीज़ मैं दोस्तों यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कई दोस्त हमें ऐसे कहते हैं कि सर टोटली जो हमारा स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो हिंदी में होना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आपको UGC नेट क्लियर करना है तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल हिंदी में पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी और बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ोगे तो भी नहीं आएगी।
तो हमें मिक्स मिक्स करके चलना है। आगे देखते दोस्तों, आगे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस, यानी कि जो डेटा हमने इकट्ठा कर लिया है उसका एनालिसिस करने में किस तरीके से आईसीटी अपनी भूमिका निभाता है। अब देखिए, जो हम डेटा इकट्ठा किया है उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें हम कई तरह के टेस्ट लगाते हैं, जैसे टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट हो गया। तो इस तरीके के जो टेस्ट लगाते हैं वो किस से यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, अब ये देखिए, ये हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। ये देखिए, स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, इसे ज़्यादातर SPSS के नाम से जाना जाता है, और जो लोग PhD कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है इस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जब आप PhD करोगे तो आपको भी अच्छे से पता चल जाएगा, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए कि SPSS जो है वो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर यूज होता है। और उसके बाद आता है जैसे कि R, फाउंडेशन फॉर स्टैटिकल कंप्यूटिंग, और उसके बाद आता है जैसे MATLAB, द MathWorks, ये भी हमारा जो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर काम आता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि उसके अंदर हम किस तरीके से अपने जो डेटा हमने इकट्ठा किया उसका हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आता है SAS, स्टैटिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ये सारे सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो इसमें हमारे डेटा एनालिसिस के अंदर काम आते हैं। और मिनी टैब हो गया, फिर ग्राफिक, हमारा ग्राफ पैड प्रिज्म हो गया। तो ये मुख्य रूप से हमारे सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटा एनालिसिस के अंदर काम आते हैं। और उसके बाद जैसे कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव के अंदर NVivo होता है, Atlas.ti है, ये मुख्य रूप से वेबसाइट है, और इन वेबसाइट पे आपको जो टूल है वो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में SPSS टेक्स्ट एनालिसिस हो गया, उसके बाद में ट्रांसाना हो गया, और ये क्या करता है, कैन बी यूज फॉर वीडियो ट्रांसक्राइबिंग इन क्रिएटिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। ये जो वीडियो होती है उसके अंदर ज़्यादा काम आता है वीडियो एनालिसिस करने में। और इसके बाद में आता है जैसे एप्लीकेशन ऑफ ICT इन पोस्ट डेटा एनालिसिस, यानी कि जो हमने डेटा एनालिसिस कर लिया उसके बाद में ICT किस तरीके से यूज होते हैं वो हमें देखना है। अब देखिए, हमने अपनी रिसर्च लगभग कंप्लीट कर ली, कंप्लीट करने के बाद में हमारा आता है वीवियोग्राफी लिखना। अब देखिए, वीवियोग्राफी लिखना हमने पहले एक टॉपिक किया था, उसके अंदर आपको ध्यान हो तो हमने किया था APA स्टाइल किया था, MLA स्टाइल किया था, ठीक है। तो अगर वो आप मैनुअली लिखोगे आप, तो उसमें आपकी काफ़ी तरह की गलतियां हो सकती है। जैसे उसमें हमने देखा था ना, कहीं पे इस तरीके से डैश लगाना है, फिर डॉट लगाना है, फिर इस तरीके से लगाना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, कहीं ईयर के आगे ब्रैकेट लगाना है, तो ये चीज़ें अगर हम मैनुअली करेंगे तो ये भूल जाएंगे। लेकिन इसके लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, जैसे एंड नॉट, जेटेरो, मेंडली, तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हमें क्या डालना है, उसके अंदर हमने जैसे पब्लिशर का नाम डाला हमने, और जो ऑथर है उसका नाम डाला, ईयर डाला, जहाँ से वो प्रकाशित हुई है वो डाली, वो सारी चीज़ें हमने फिल कर दी, और वो ऑटोमेटिक से वो उसके सीक्वेंस में लगा के हमें दे देगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और आगे दोस्तों, जैसे आर्टिकल, थीसिस, डेजर्टेशन, डिस्कशन। अब हमने कोई भी आर्टिकल लिख लिया, उस पर हमें डिस्कस करने हैं, हमें पूछना है किसी से, भाई हमने जो ये लिखा ये गलत है या सही है। तो यहाँ पे जो academia.edu है, रिसर्च गेट है, यहाँ पे हम एक कम्युनिटी है, वहाँ पे हम अपने डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी सवाल जवाब है हम वहाँ पे पूछ सकते हैं। और आगे आता है दोस्तों प्लेगरिज्म डिटेक्शन। अब देखिए, इस पर एक हमारा क्वेश्चन भी आया था, अब की बार जो जून 2019 का एग्ज़ाम था उसके अंदर, जो प्लेगरिज्म डिटेक्ट, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने PhD लिखी है, जो थीसिस लिखी है, वो कहीं कॉपीराइट तो नहीं है, कहीं से हमने वैसे ही कॉपी करके पेस्ट तो नहीं किया है, तो इसमें प्लेगरिज्म डिटेक्ट की जाती है। तो इसके लिए मुख्य रूप से हमारा ग्रामरली होता है, और जो ग्रामरली है दोस्तों, ये अब भी ज़्यादा चलन के अंदर आए, इसकी आपने ऐड भी देखी होगी फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे ऐड वगैरह देखी होगी। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जून 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेगरिज्म चेकिंग वेबसाइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं grammarly.com, ये दिया हुआ है तो ये हमारा सही आ जाएगा। और अब ये देखिए, एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, रिसर्च गेट है। रिसर्च गेट हमारा किसके लिए यूज होता है, अभी मैंने बताया था, रिसर्च गेट होता है हमारी डिस्कशन करने के लिए, जो हमने थीसिस वगैरह लिखी है उस पर डिस्कशन करने के लिए होता है। तो प्लेगरिज्म चेक करने के लिए मुख्य रूप से ये है कि ग्रामरली हो गया, आर्टिकल चेकर हो गया, ये पता नहीं क्या है, टर्निटिन हो गया, और फिर है डुप्लीकेट चेकर हो गया, ये मुख्य रूप से हमारी वेबसाइट है। तो इनमें से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब देखिए उसके बाद आता है हमारा जनरल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन, यानी कि जो हमने आर्टिकल या जर्नल लिख दिया है उसे हम पब्लिश करना चाहते हैं, तो ये कुछ वेबसाइट वगैरह दिए, यहाँ पे हम पब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि एल्सेवियर और वीली और फिर सेगा पब्लिकेशन है, यहाँ पे हम अपना पब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से जो हमारे ICT यूज होती है रिसर्च के अंदर वो हमने बताया है। इसके अलावा दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है इन्हीं में से क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के दे सकता है, और शायद आप हमें ये कहो कि सर आपने ये तो हमें करवाया ही नहीं, करवाया हुआ होगा लेकिन हो सकता है वो आपके ध्यान में ना रहा हो, तो इसको आप ध्यान से कर लेना। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होते तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और दोस्तों इस वीडियो पे हमें कम से कम 40 से 50 लाइक ज़रूर मिलने चाहिए, हमने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।